सीएम शिवराज ने कहा है कि अब मास्क नहीं पहना तो अपराध होगा, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि एमपी में हॉस्पिटल एडमिशन प्रोटोकॉल लागू होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर जिले में एक कोविड केयर सेंटर खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कई जगह से शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार जल्द ही एसओपी जारी करेगी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सरकारी स्तर पर खरीद की जाएगी ताकि मध्यम वर्गीय और गरीब को ये इंजेक्शन निशुल्क लगाया जा सके। सीएम शिवराज ने कहा कि शहर के जिस इलाके में केस ज्यादा आएंगे वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, इसके आधार पर ही सीमित क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। शहर के वो इलाके जो ज्यादा प्रभावित हैं उनका चिन्हांकन कर कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा सकेंगे और कंटेनमेंट आधारित लॉकडाउन भी लगाया जा सकेगा। मास्क ना पहनना अपराध है, हमने बार बार आग्रह किया है, जनजागरण भी किया कि मास्क पहने। अधिकांश लोग मास्क पहन रहे हैं लेकिन मास्क ना पहनना सामाजिक अपराध है और इसलिए ऐसे बहनों और भाइयों के खिलाफ सख्ती भी जरूरी है। और इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि वो मास्क जरूर पहने, निःशुल्क इलाज के लिए भी कम से कम 15,000 बिस्तर उपलब्ध रहे इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके लिए कुछ प्राइवेट अस्पतालों में जैसे भोपाल में LNCT, दूसरा है पीपुल्स अस्पताल, अब इनमें हम बिस्तर LNCT को तो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में ही हम बनाएंगे और पीपुल्स में भी बाकी बिस्तर सरकार बुक करेगी ताकि निशुल्क इलाज हम गरीब और मध्यम वर्गीय भाई बहनों का कर सकें। इसी तरह से हमने इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में जहां संक्रमण ज्यादा है और प्राइवेट अस्पताल हो सके हैं वहां भी व्यवस्था करने का निर्देश हमने दिया है। जनता की तरफ से सुझाव आया है, ये तकलीफ भी है, वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की और उसकी कीमतों की भी। और इसलिए मैंने आज निर्देश दिए हैं कि एक तो इसके उपयोग के संबंध में एक SOP, एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए, डॉक्टर तय करें एक प्रोटोकॉल के तहत किस मरीज को इंजेक्शन लगेगा। कई जगह जरूरत नहीं और इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां जरूरी है वो इंजेक्शन लगना चाहिए। और इसका अभाव दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर इसकी खरीद कर ली जाए, ये निर्देश मैंने आज दिया है ताकि हम जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उनको निशुल्क इस इंजेक्शन को लगवाने की व्यवस्था कर सकें। जो कोरोना वॉलंटियर्स हैं उनको परिचय पत्र प्रदान किए जाएंगे ताकि वो टीम के साथ जुड़ के ठीक से काम कर सकें। सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी आम जनता को हो ताकि ये पता चल सके कि किस अस्पताल में बिस्तर खाली है, इसकी व्यवस्था भी हम बनाने जा रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों का सभी पात्र अस्पतालों में निशुल्क इलाज सुनिश्चित हो, सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं, चिकित्सा जांच और अमले की उपलब्धता और मॉनिटरिंग करके सुनिश्चित करेंगे। एक हॉस्पिटल एडमिशन प्रोटोकॉल तैयार करके लागू किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि हर पात्र मरीज को अस्पताल में एडमिशन दाखिला मिल जाए, लेकिन जिनको भर्ती होने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसी स्थिति है कि घर में ही इलाज होम आइसोलेशन में हो सकता है तो हम घर पर आइसोलेट करके उनका उपचार कर सकेंगे। इसमें अनावश्यक रूप से अस्पताल के बिस्तर ना भरे, इसका यह लाभ हो पाएगा। जो मरीज होम आइसोलेट होंगे उनकी प्रतिदिन 2 बार वीडियो कॉलिंग के जरिए
मॉनिटरिंग की जाएगी और आकस्मिक निरीक्षण करके इसका सत्यापन भी किया जाएगा कि वो कहीं घर से बाहर तो नहीं जा रहे।